रॉयल एनफील्ड की बाइक्स अपने रेट्रो लुक्स के लिए जानी जाती है। यह अपने ओल्ड स्कूल राइडिंग अनुभव के साथ एक शानदार कमाल करती है। ऐसे में जो भी यह बाइक्स चलाते हैं लोग उन्हें जरूर मुड़ कर देखते हैं, पहली तो बाइक के लुक के लिए और दूसरी इन बाइक्स को चलाने के लिए जरूरी ताकत के लिए। हालांकि नई हंटर 350 के आने के साथ ही यह सब बदल गया है। इस बाइक के बारे में कंपनी के बॉस सिद लाल ने कहा कि नई एज के साथ मिली ओल्ड स्कूल रॉयल एनफील्ड की नई हंटर 350 एक महत्वपूर्ण बाइक है। नई हंटर 350 है कैसी? रॉयल एनफील्ड हंटर 350 से 100 साल से पुरानी कंपनी के लिए गेम कैसे बदलेगी? क्या कंपनी ने इस बाइक के साथ कुछ बड़ा किया है या सब हवा हवाई बातें हैं? और इसी बात को जानने के लिए रॉयल एनफील्ड ने हमें बैंकॉक थाईलैंड में बुलाया ताकि नई हंटर 350 को टेस्ट कर सके और हमने क्या क्या पाया, आइए जानते हैं। रॉयल एनफील्ड सुपर मीटिंग 650 का टीजर हुआ जारी, जानिए। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 डिजाइन नए जमाने के लुक के साथ ओल्ड स्कूल का जादू। हंटर 350 भले ही कंपनी की एक नई बाइक है लेकिन रॉयल एनफील्ड के डिजाइन को फॉलो करती है, लेकिन थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों की वजह से हंटर 350 का डिजाइन अन्य जे प्लेटफॉर्म वाले मॉडल से अलग लगती है और इस वजह से रॉयल एनफील्ड इस बाइक को रेट्रो मेट्रो एस्थेटिक कहती है। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के सामने फेल हुई होंडा की ये दोनों बाइक्स, बस एक महीने में ही हो गई इतनी बिक्री। सामने फ्रंट फोक व छोटा मडगार्ड इसके रेट्रो लुक को पूरा करता है। इसका 17 इंच का अलॉय व्हील्स ट्यूबलेस टायर के साथ हंटर 350 के लुक को मॉडर्न लुक प्रदान करता है। मोटो मोरिनी पर 650X क्या बन पाएगी ऑफ रोड बाइक्स की किंग? पढ़े रिव्यू। इसके हेडलाइट के ऊपर गोलाकार पोर्ट दिया गया है जिसमें रेट्रो स्टाइल स्पीडोमीटर व LCD दिया गया है जो राइडर को सभी जानकारी फ्यूल स्तर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर व टाइम प्रदान करता है। ग्राहक दूसरा गोलाकार पोर्ट भी जोड़ सकते हैं जो रॉयल एनफील्ड की ट्रिपल नेविगेशन सिस्टम को दर्शाता है। यह डिस्प्ले टर्न बाय टर्न डायरेक्शन प्रदान करता है और यह फोन में रॉयल एनफील्ड ऐप से ब्लूटूथ कनेक्ट से जोड़ा जा सकता है। इसका रेट्रो स्विच गियर, खासकर रोटरी स्टार्टर स्विच क्यूब शानदार है और इसका USB पोर्ट उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो राइड के दौरान अपना फोन चार्ज करना चाहते हैं। इसका सिंगुलर सीट सेटअप बेहद शानदार। पिलियन राइडर के लिए सीट थोड़ा ऊंचा रखा गया है और पीछे स्प्लिट ग्रैब रेल दिया गया है, लेकिन यह सिर्फ मेट्रो वेरिएंट में मिलता है। इसके गोलाकार टेललाइट में LED यूनिट दिया गया है और इसके दोनों किनारों पर गोलाकार हेलोजन टर्न इंडिकेटर दिया गया है। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 स्पेसिफिकेशन समान जे सीरीज के साथ हल्की रॉयल एनफील्ड हंटर 350 में 349cc फ्यूल इंजेक्टेड जे सीरीज इंजन दिया गया है। यह सिंगल सिलेंडर इंजन 6100 RPM के साथ 22 BHP का पावर व 27 Nm का टॉर्क प्रदान करता है और यह 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ रियर व्हील में प्रदान करता है। रॉयल एनफील्ड ने नई हंटर 350 के एक्सेलरेशन के आंकड़ों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कंपनी का दावा है कि यह 114 किलोमीटर घंटा की टॉप स्पीड प्राप्त कर सकती है। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 स्पेसिफिकेशंस कैपेसिटी 349cc पावर BHP 20.2 टॉर्क नैनोमीटर 27 मैक्स स्पीड 114 किलोमीटर पर आवर फ्यूल इकोनॉमी KMPL 36.2 वेट किलोग्राम 181 फ्यूल कैपेसिटी L 13 सीट हाइट 800 व्हील बेस 1370 टायर फ्रंट 1170-17 टायर रेयर 1470-17 सस्पेंशन फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन रेयर ट्विन ट्यूब इमल्शन शॉक अब्जॉर्बर्स फ्रंट ब्रेक 300 mm डिस्क रियर ब्रेक 270 mm डिस्क ड्रम रेट्रो हंटर 350 कंपनी की अन्य जे सीरीज मॉडल के मुकाबले हल्की है। हल्की चेसिस सेटअप व नए अलॉय व्हील्स के साथ नई हंटर 350 का वजन 181 किलोग्राम है। यह मिटियोर के मुकाबले 10 किलोग्राम व क्लासिक 350 के मुकाबले 14 किलोग्राम हल्की है। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 में ट्विन डाउन ट्यूब स्पाइन फ्रेम सेटअप, 41 मिलीमीटर टेलीस्कोपिक फोक्स व पीछे प्रीलोड एडजस्टेबल ट्विन शॉक्स दिया गया है। ब्रेकिंग के लिए इसमें दो पिस्टन कैलिपर्स के साथ 300 मिलीमीटर का डिस्क व पीछे सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ 270 mm।